हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर इरेगुलरिटी। मैं कुछ 5-6 दिन से लेक्चर नहीं डाल पा रहा था इडियम्स फ्रेज एंड वोकेबलरी का, जो कि आज मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। वोकेबलरी का मैंने अपलोड कर दिया और इडियम्स एंड फ्रेज का भी अब ये 7वां लेक्चर अपलोड हो गया है, और ये अब कंटिन्यू चलेगा। आपको पर डे मिलेगा वोकेबलरी एंड इडियम्स एंड फ्रेज का, क्योंकि अब मैंने सोच लिया कि आपको 15-20 दिन में मैं आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लूँ, और 10 अक्टूबर तक मैं आप लोगों का कम्प्लीट सिलेबस कर दूँ। तो अब ये नॉन स्टॉप चलेगा, लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग रेगुलर अपडेटेड रहेंगे। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर ले चैनल को और लाइक करें वीडियो को। और हमारा अभी तक 6 लेक्चर हो चुका है वोकेबलरी, सॉरी 7 लेक्चर हो गया वोकेबलरी का एंड 6 लेक्चर इडियम्स एंड फ्रेज का। जो लोग नहीं देखें वो लोग देख लें, और आज ये हमारा 7वां लेक्चर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का। फर्स्ट है कॉल ए स्पेड ए स्पेड, कॉल ए स्पेड ए स्पेड है मतलब टू बी फ्रेंक, मुँहफट बात करना। किसी के मुंह पे आप कुछ बोल देते हैं तो उसे बोलते हैं कॉल ए स्पेड स्पेड। तो एग्जांपल है जैसे इसका, ही नेवर हेजिटेटेड इन कॉलिंग स्पेड एंड हेंस ही हैज फ्यू फ्रेंड्स। जो लोग मुंह पे बात कर देते हैं अच्छा बड़ा जो भी हो, तो उसके मतलब फ्रेंड्स जल्दी नहीं होते हैं, कम फ्रेंड होते हैं, तो वही एग्जाम्पल है। कॉल नेम्स टू अब्यूज, गाली देना। तो एग्जाम्पल इसका, ही हैज़ ए बैड हैबिट ऑफ कॉलिंग नेम्स, उसे अब्यूज़ करने की, गाली देने की आदत है। फिर एक कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट होता है डेथ पेनल्टी मतलब मौत की सज़ा। तो याद करने के लिए आप कर सकते हैं पनिशमेंट पनिशमेंट, और वो भी कैपिटल मतलब सबसे बड़ा पनिशमेंट। सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या हो सकता है, मौत ही हो सकता है किसी की। तो ये एग्जांपल है, कैपिटल पनिशमेंट शुड बी एबोलिश्ड एज इट इज़ द क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। मतलब कैपिटल पनिशमेंट को हटा दिया, समाप्त कर देना चाहिए। एबोलिश मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रूअल टाइप का पनिशमेंट है। फिर एक कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन होता है डाउट, डाउट मतलब संदेह करना, मतलब संदेह की स्थिति में। तो यू शुड नॉट कॉल इन क्वेश्चन माई ऑनेस्टी, तो मैं मेरी ईमानदारी पे संदेह नहीं करना चाहिए। याद करने के लिए भी कर सकते हैं कि कॉल इन क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आप मान लीजिए कोई कुछ बोल रहा है, बार बार क्वेश्चन हर चीज़ पे क्वेश्चन करना मतलब डाउट है, उसे डाउट क्लियर ही नहीं हो रहा है। अब क्लास में भी बहुत बच्चे देखते हैं कि बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, एक लाइन टीचर बोलते हैं कि उसका डाउट हो जाता है, तो वही उसे अपडेट करके याद कर सकते हैं। मतलब कॉल इन क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछना मतलब डाउट। फिर एक कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, मतलब रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, इनाम और सजा की पॉलिसी। अच्छा कर रहे हैं तो इनाम मिल रहा है, बुरा कर रहे हैं तो सजा मिल रहा है, वही कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। याद करने के लिए आप कर सकते हैं कैरोट और स्टिक। तो स्टिक मतलब क्या, अब जैसे ही कुछ ख़राब किए तो आपको मार पड़ेगी, इस तरह से सज़ा मिलेगी, तो आप उस तरह से याद कर सकते हैं। एग्जांपल है, ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉलो द कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉय। ये कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो होता है वो कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी को फॉलो करता है अपने एम्प्लॉय के लिए। फिर है कैरी वंस पॉइंट, विन अप्रूवल और समर्थन मिलना, किसी बात पे लेके सब लोग सपोर्ट कर दिए, तो ये मतलब विन अप्रूवल हो गया, कैरी वंस पॉइंट। तो एग्जांपल है, आफ्टर हीटेड डिस्कशन ही वाज एबल टू कैरी हिज पॉइंट, मतलब एक बहुत ही गर्मजोशी से डिस्कशन हो रहा था जिसमें कि उसे समर्थन मिल गया था। याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि कैरी वंस पॉइंट मतलब अपने पॉइंट को ढोना, इस तरह से आप कीजिए। तो अपने पॉइंट पे ढोना मतलब अपने पॉइंट पे जो जीत गया, अपने पॉइंट को पूरा प्रूफ कर दिया, तब उसे समर्थन मिल गया, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर है कैरी मैटर्स विद ए हाई हैंड, मतलब टू डील विद ए पर्सन स्ट्रिक्टली, और सख्ती से निपटना। तो याद करने के लिए आप कर सकते हैं कैरी मैटर्स विद ए हाई हैंड, मतलब कोई जो मैटर उसको डील किया जा रहा है हाई हैंड, हाई हैंड मतलब कड़े रूप से, इस तरह से कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, द पुलिस कैरी मैटर्स विद हाई हैंड, पुलिस जो क्या है सख्ती से निपटती है। फिर एक कास्ट ए स्लर, मतलब टू ब्रिंग डिस्ग्रेस, अपयश का कारण बनना। एग्जाम्पल है, टेकिंग ब्राइब कुड कास्ट ए स्लर ऑन द ओनर ऑफ योर फैमिली, आप अगर ब्राइब लेंगे तो आपके फैमिली पे अपयश का कारण बन सकता है। फिर एक कैरी द डे टू विन ए विक्ट्री, जीत जाना। कैरी डे मतलब आप दिन जो है वो आपके अकॉर्डिंग हो गया, इस तरह से आप लेट कीजिए तो आपके दिन अकॉर्डिंग हो गया, मतलब आप एक तरह से जीत गए। आपने टारगेट किया कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं, और आपने उस टारगेट को फॉलो कर लिया, तो आप क्या, आप जीत गए, तो वही है। एग्जांपल है, आफ्टर इनिशियल सेटबैक्स
इंडिया कैरी द डे इन टेस्ट मैच। इनिशियली इंडिया का फेल्योर हुआ, थोड़ा मतलब पीछे चल रहे थे, बट फाइनली जो है वो इंडिया टेस्ट जीत गया। फिर है केविन, केविन मतलब होता है इल्ड, इल्ड मतलब झुक जाना। तो एग्जांपल है इसका कि वन मस्ट नोट केविन अंडर प्रेशर ऑफ टीयर टू एंड टीयर थ्री। मैंने ये लिया एग्जांपल कि किसी को, अब जैसे टीयर टू एंड टीयर थ्री साथ हो रहा है, पूरा प्रेशर बच्चों पे है, तो वो उसे प्रेशर में झुकना नहीं चाहिए, आपको लगे रहना है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इसीलिए डिमोटिवेट नहीं होना है, और ऐसा नहीं सोचना है कि मैं बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं मेरा क्या होगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना बेस्ट दीजिए, आपको सफलता मिलेगी, गारंटेड है ये। फिर है चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स होता है इन फुल डिटेल, मतलब पूर्ण विवरण के साथ, पूरा डिटेल के साथ जो दिया जाता है। तो रिलेट आप इससे याद कर सकते हैं, चैप्टर एंड वर्स, मतलब एक चैप्टर हुआ, चैप्टर में तो सब कुछ आ जाता है, और वर्स, वर्स मतलब श्लोक, तो एक चैप्टर का सारा श्लोक, मतलब एक एक चीज़, मतलब पूरा डिटेल के साथ, इससे आप रिलेट करके याद कीजिए। तो एग्जांपल, आई कैन नॉट नैरेट द होल इंसिडेंट इन चैप्टर एंड वर्स, मैं उस इंसिडेंट को, जो घटना हुआ, उसे पूरा कंप्लीट विवरण नहीं कर सकता हूँ। फिर है चिक बाय जॉल, JOWL, चिक बाय जॉल, मतलब क्लोज टुगेदर, क्लोज टुगेदर साथ साथ। मेनी पुअर पीपल लिव चिक बाय जॉल इन ए स्मॉल रूम, बहुत सारे गरीब लोग क्या रहते हैं, एक ही रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब साथ साथ रहते हैं। फिर है चेकर्ड कैरियर, चेकर्ड कैरियर होता है फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, मतलब उतार चढ़ाव से बढ़ा हुआ, किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। आपके सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट के लाइफ में आते हैं, कभी टीयर वन पास कर गए, कभी टीयर टू पास कर गए, कभी वो एग्ज़ाम का प्री निकल गया, तो कभी मेंस में फेल कर गए, अर्जन का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, तो उतार चढ़ाव से बढ़ावा वही हुआ, चेकर्ड कैरियर। तो पॉलिटिशियंस हैव जनरली चेकर्ड कैरियर ऑल अलॉन्ग, और यहाँ स्टूडेंट्स भी आप दे दीजिए यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एस्पिरेंट्स हैव जनरली चेकर्ड कैरियर ऑल अलॉन्ग टिल हिज सक्सेस। फिर है चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले होता है ए वेरी इजी टास्क, मतलब बच्चों का खेल। तो एग्जाम्पल है, इट इज़ नॉट ए चाइल्ड्स प्ले टू क्रैक UPSC एग्जाम, UPSC एग्जाम क्रैक करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो याद करने के लिए इसलिए चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, सिंपल ही है ये। फिर है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब रिजेंबलिंग वंस पेरेंट्स इन हैबिट्स, मतलब जिसका हैबिट जो आदत रहता है उसके पेरेंट्स के समान होता है, मतलब पिता के समान आदत। तो एग्जाम्पल मैंने लिया, माई फ्रेंड इज क्वाइट हेल्पफुल लाइक हर फादर, सो सी इज ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। मेरा फ्रेंड जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है, मददगार है अपने पिता की तरह, वो अपने पिता की तरह, तो इसलिए वह मतलब उसका ज़्यादा है उसके पिता के समान है। याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब थोड़ा से मैं रिलेट कर रहा हूँ कि ओल्ड ब्लॉक इस तरह से, तो जैसे कोई लड़का है तो उसके पिता थोड़ा ओल्ड मतलब हो गए एक जनरेशन पहले, तो इससे आप मतलब रिलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हमारे idioms and phrases का 7th लेक्चर हो गया। अब लेक्चर ये idioms, phrases, vocabulary का कंटिन्यू चलेगा, और वीक में 3-4 लेक्चर में phrasal verb का भी दूंगा। मेरा ये टारगेट है कि 20-25 दिन के अंदर आप लोगों का 80-90% सिलेबस कंप्लीट कर दूं, मतलब सितंबर एंड तक, और 10 अक्टूबर तक आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस मैं कर दूं, ताकि आप लोग को सफिशियंट टाइम मिले रिविजन का, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं एक पहले एक दो चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को जो डाउट होगा मैथ्स के, आप उसका वो क्वेश्चन का फोटो लेके आप वहाँ भेज सकते हैं, और मैं जब डाउट सेशन लूँगा संडे, तो वहाँ पे मैं ये सारे क्वेश्चन को वहाँ सॉल्व कर दूँगा, ताकि आप लोगों को कहीं टाइम वेस्ट ना हो इधर उधर सॉल्यूशन वगैरह देखने में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें फ्रेंड्स, मोटिवेटेड रहें, एनर्जेटिक रहें, और अच्छी नींद लें 7-8 आवर्स का, और नींद के अलावा और कुछ नहीं आपको टाइम इधर उधर वेस्ट करना है, और पढ़ाई अच्छे से करते रहें, 10 आवर्स एटलीस्ट पढ़े अगर आपको इसी साल एग्ज़ाम निकालना है तो, क्योंकि कंपटीशन देखिए पूरा टफ हो चुका है। IITs UPSC एग्ज़ाम के एस्पिरेंट सब जो मिस कर जाते हैं थोड़े बहुत नंबर से UPSC में, तो वो लोग अब SSC उनका चॉइस हो गया, सेकेंड चॉइस। तो मतलब आपको कंपटीशन पूरा मिल रहा है, तो इसलिए आपको कंपटीशन में आगे निकलने के लिए आपको पूरी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये चाइल्ड्स प्ले वाला गेम नहीं रह गया SSC, तो आपको
पूरा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप 30+ अगर आप ले आते हैं, ये आपका टारगेट तो मिनिमम रहना चाहिए 360+, इसलिए मैंने बोला है 360+ आपका टारगेट रहेगा तो 330+ तो आना ही होना है, मेरा खुद का है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटेजी है तो आप लोग भी ला सकते हैं। और एक बार आपका 330+ स्कोर आ गया तो आप एकदम से सेफ जोन में पहुँच जाएंगे। और Tier 3 से जो भी रिलेटेड बातें होंगी, मैं अभी टाइम है मैं आपको देते रहूँगा स्ट्रेटेजी और कंटेंट्स, आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है, आप बस Tier 2 का भी पहले फोकस करें, तो आपके पास सफिशियंट टाइम है कि आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक वो सब्सक्राइब कर ले, आपको रेगुलर इसी तरह के लेक्चर मिलते रहेंगे वोकैब्स इडियम्स फ्रेज मैथमेटिक्स पे, इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर तो मैं पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा बट वोकैब इडियम्स फ्रेज तो चल ही रहा है, ग्रामर का पोर्शन मैं वॉयस एंड नरेशन कवर कर लूँगा ताकि वो 47 मार्क्स जो है वो आपको उसमें आप 47 आउट ऑफ 47 स्कोर कर सके। मैंने खुद 45 किया था और एक दो मैंने इसलिए मिस्टेक कर दिया था बट सफिशियंट प्रैक्टिस से मिस नहीं होगी, आप 47 आउट ऑफ 47 ला सकते हैं। तो जो जो बुक मैंने पढ़ा था उसी बुक से मैं आप लोगों को उसी तरह आपको बता दूंगा लेक्चर में, तो आप लोग बस पढ़ाई करें, आपको सारा कंटेंट यहाँ मिल जाएगा। और मैथ्स की बुक लिस्ट और जो भी बुक लिस्ट है, इंग्लिश की बुक लिस्ट है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, उस पर लिंक भी है अमेजन का, वहाँ परचेज भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन जो भी मैं लेक्चर देता हूँ उसका PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ रहेगा लेक्चर PDF, जैसे idioms and phrases है idioms and phrases PDF बगल में लिंक दिया रहेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं उस PDF को, कोई भी लेक्चर होगा उसका PDF उसमें दिया रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में जितने भी अभी तक लेक्चर उसके हैं सारा का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप जो भी लेक्चर देखना चाहते हैं, एवरेज पूरा कंप्लीट हो गया है, ट्रिगोनोमेट्री का 4 लेक्चर हो चुका है, 1 लेक्चर बाकी है, उसका प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। वोकैब के सारा वीडियो जितने 7 लेक्चर हुए हैं वो PDF में दिया हुआ है idioms and phrases के, तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट करें, बताएं कि आपको कैसा लगता है वीडियो, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप लोग भी कमेंट करते रहे और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।